हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनाइज्म रिप्रोड्यूस को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। उसका पार्ट 6 है ये। अगर पिछले पार्ट्स आपने नहीं देखे हो तो पहले आप उसको देख लो, तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो हमने पिछली जो लेक्चर था उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को पढ़ लिया था, और आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, और कैसे जो है बेबी यूट्रस में पूरी तरीके से डेवलप होता है। लेट्स स्टार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टुडेज टॉपिक इज फीमेल, फर्स्ट टॉपिक इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले आप ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है डायग्राम देख रहे हो, आपको सबसे पहले इसकी लेबलिंग लर्न होनी चाहिए, फिर इसके हम फंक्शन देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हो ये ओवरी है, ये पेयर्स में होती है ओवरी, ठीक है, जहाँ से एग रिलीज होता है। इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो कि एग को रिलीज करवाता है, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा फैलोपियन ट्यूब, ये जहाँ पर जो ट्यूब है उसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट ये यूट्रस, नेक्स्ट यहाँ पे सर्विक्स, और नेक्स्ट यहाँ पर ये वजाइना, ठीक है। तो अगर ये पार्ट्स आपने समझ लिए तो हम इनकी डिटेल्स करते हैं। नाउ फर्स्ट ओवरी, ओवरीज इट इज़ अ पेयर्स ऑफ ओवरीज विच इज़ द प्रेजेंट इन द फीमेल एंड देयर फंक्शन इज एग प्रोडक्शन। आप देख रहे हो यहाँ पर ओवरी है, ठीक है, और ये क्या होता है, ओवरी का काम क्या होता है, एग का प्रोडक्शन, ठीक है, और इसको जो है कौन सा हार्मोन, ऑस्ट्रोजन जो है हार्मोन होता है वो इसको क्या करता है, एग को प्रोड्यूस करने के लिए फैसिलिटी देता है कि ये क्या कर सके, एग को प्रोड्यूस कर सके। तो ओवरी का काम आपका क्या हो गया, एग को प्रोड्यूस करना। इन फीमेल में एग प्रोड्यूस किसके थ्रू होता है, ओवरी। नेक्स्ट फैलोपियन ट्यूब, आपको बताया मैंने यहाँ पर एग, आगे यहाँ पर एग रिलीज हुआ, ये ओवरी थी हमारी, दो ओवरी होती है पेयर्स में, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है आगे एक ट्यूब जा रही है, ये भी ट्यूब है, ये दोनों ही फैलोपियन ट्यूब कहलाती है, ठीक है, इसको भी फैलोपियन ट्यूब कहते हैं और इसको भी फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो इट इज़ ए ट्यूब दैट रिसीव ओवम, जो कि ओवम को रिसीव करते, इट मीन्स एग, जब एग यहाँ से रिलीज हुआ तो क्या होता है, ये यहाँ से इसको फैलोपियन ट्यूब क्या करता है, रिसीव कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा यूट्रस, यहाँ पर ये यूट्रस, ठीक है, तो यूट्रस क्या होता है, ये सैक लाइक होता है जहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप होता है, मीन्स यहाँ से एग रिलीज हुआ, फेलोपियन ट्यूब में गया, जब स्पर्म इसके साथ फ्यूज़न होता है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन शुरू होता है, और बाद में वो आके यूट्रस में अपनी जगह ले लेता है और वहाँ पर पूरा एम्ब्रियो क्या होता है, डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो हमने इसके पार्ट्स देख लिए, फेलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया। नेक्स्ट सर्विक्स, ये सर्विक्स है, सर्विक्स क्या होता है, इट इज़ ए कैप ऑफ द वजाइना, ये वजाइना की एक तरीके से कैप होती है, ठीक है। तो वजाइना द आउटर एक्सपोज पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड वजाइना, जो आउटर पार्ट होता है फीमेल का एक्सपोज होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसे क्या बोलते हैं, वजाइना। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन, जब एग रिलीज हुआ, ठीक है, और एग अगर रिलीज हुआ तो वहाँ पे दो सिस्टम होगा, या तो वो क्या होगा, फर्टिल होगा या फिर फर्टिल नहीं होगा,
ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि जब एग क्या होगा, फर्टिल हो जाएगा, तो क्या होगा? जब एग फर्टिल नहीं होगा तो उसका सिस्टम अलग होगा, ठीक है? तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम फर्टिलाइजेशन। इन फर्टिलाइजेशन द फॉलोइंग इवेंट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो हमने ये पढ़ना है, ठीक है? तो जो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा उसको हम बाद में देखते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? एग रिलीज हुआ, ठीक है, और मेल का क्या आ गया, यहाँ पर स्पर्म आया। तो स्पर्म आके जब इससे फ्यूज़ हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है? तो अब देखते हैं आगे। ओव्यूलेशन, इट इज़ द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब। विद द ओव्यूलेशन थिकिंग ऑफ द यूट्रस वॉल टेक प्लेस ओव्यूलेशन अकरिंग एवरी मंथ इन फीमेल आफ्टर अटेंडिंग प्यूबर्टी, दैट इज आफ्टर द एज ऑफ 13। ओव्यूलेशन क्या होता है कि जो ओवरी होती है वो क्या करती है, एग को रिलीज करना शुरू कर देती है, और फिर कहाँ जाता है, वो फेलोपियन ट्यूब में जाता है, और ये हर मंथ रिलीज होता है, ठीक है, फीमेल में हर मंथ उसकी प्यूबर्टी के एरिया में, प्यूबर्टी की, सॉरी, प्यूबर्टी की एज में। एज प्यूबर्टी की आपको पता ही है कि लगभग क्या होता है, 13 to 14 ईयर, उस टाइम में एग जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। अब एग रिलीज हुए, अगर उनमें कॉपुलेशन हुआ, कॉपुलेशन मीन्स मेल और फीमेल जब इंटरकोर्स होता है, ठीक है, तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स स्पर्म ऑफ मेल इज इंजेक्टेड इनटू द फीमेल्स वजाइना ट्रैक। इन वन सीक्रेशन देयर आर ए मिलियंस स्पर्म, बट ओनली वन स्पर्म इज कैपेबल ऑफ फ्यूजन विद द ओवम। ऑल देयर आर द रीजन, क्या होता है कि जब ये एग है, ठीक है, मान लो, और ये क्या है, स्पर्म, तो जो मेल से स्पर्म निकलता है वो मिलियंस में स्पर्म होता है, लेकिन वो यू मतलब फीमेल के फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने तक क्या होता है, डेड हो जाता है। कई क्या होता है, जब उसको न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिल पाता है इसलिए वो डेड हो जाता है, कई आगे मोटिल नहीं हो पाते तो डेड हो जाते हैं, कई जो फीमेल का यूट्रस का पीएच होता है वो उसके कैपेबल नहीं होता है तो डेड हो जाते हैं, और सिर्फ एक आधा स्पर्म है जो कि पहुंच जाता है अपने एग के पास, ठीक है। तो जब एग के पास पहुंच गया तो उसमें साथ में क्या हो जाता है, ये फ्यूज़ हो जाता है। अब जब फ्यूज़ हो गया, जब एग और स्पर्म दोनों आपस में फ्यूज़ हो गए तो उसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो द फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस टेक प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब, एज अ रिजल्ट डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ एग था और स्पर्म जो है इसके अंदर क्या हो गया, फ्यूज़ हो गया, ठीक है। जब एग और स्पर्म फ्यूज़ हुआ तो आपको ये याद रखना चाहिए कि कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, ये फर्टिलाइजेशन हमेशा कहाँ होगी, फेलोपियन ट्यूब में। कई बार ये क्वेश्चंस 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन किस में होती है, फेलोपियन ट्यूब में। तो जब एग और स्पर्म दोनों आपस में फ्यूज़ हो गए तो क्या बनता है, जाइगोट, ठीक है। तो आपको याद हो गया ये कि जब एग और स्पर्म आपस में फ्यूज़ हुए तो फर्टिलाइजेशन हुआ, और जब फ्यूज़ होने के बाद उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि जब जाइगोट फॉर्म हो गया, अब जाइगोट को एम्ब्रियो में डेवलप होने के लिए कुछ टाइम चाहिए, तो इसके लिए क्या करता है, जाइगोट यूट्रस में जाके अपनी जगह ले लेता है, ठीक है। तो द फिक्सिंग ऑफ जाइगोट इन टू द यूट्रिन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। क्या होता है कि जब जाइगोट डेवलप होना शुरू होता है तो यूट्रस की वॉल पे जाके वो अपने आप को इम्प्लांटेशन कर लेता है, और कुछ दिनों में वहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। ये जो प्रोसेस होती है कुछ दिनों में फर्टिलाइजेशन के बाद होती है। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म्ड हुआ, तो कहाँ हुआ फर्टिलाइजेशन, फेलोपियन ट्यूब में हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इम्प्लांटेशन मीन्स जब जाइगोट बना तो उसने अपनी जगह को खोजना शुरू किया कि कहाँ पर वो डेवलप हो, तो ये वो कहाँ चला जाता है, यूट्रस की वॉल के पास, और वहाँ पर वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब वहाँ पे जब डेवलप हो गया, डेवलप होने के बाद जाइगोट जब डेवलप हुआ तो क्या बनना शुरू होता है, एम्ब्रियो, ठीक है। तो एम्ब्रियो में हम अगला देखते हैं प्लेसेंटा। आप यहाँ पर देख रहे हो कि बच्चे को जो फूड है, मैं 1 मिनट पेन का कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ, तो बेबी को जो फूड है, ठीक है, वो एक इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ये इसके थ्रू जो है बेबी को जो है फूड मिलता है मदर की बॉडी से, तो उसे क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा।
ठीक है, इट इज़ द टेम्परेरी फॉर्म टिश्यू दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो ऑफ डेवलपिंग जायकोट। फर्स्ट आपको ये कन्फ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है, मेल फीमेल एग और स्पर्म कन्फ्यूज़न हुआ तो फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, फिर ये डेवलप हुआ तो क्या बना, जाइगोट बना, अब जाइगोट डेवलप हुआ तो क्या बना, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो अपने मदर से न्यूट्रिएंट्स लेगा, तो किसके थ्रू लेगा, प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना ये पाइप सी, ये क्या होता है, प्लेसेंटा, जिसके थ्रू एम्ब्रियो जो है न्यूट्रिएंट्स लेता है और डेवलप होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट कुछ पीरियड्स हैं, ये आपने बहुत अच्छे से समझना है, कई बार वन मार्क्स में आ जाता है। गेस्टेशन, इट इज़ द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू फुल ग्रोन फोटस, ठीक है, जब ऐसा पीरियड जिस टाइम में जाइगोट पूरी तरीके से क्या बन जाता है, फिटस बन जाता है, ठीक है। फिटस क्या होता है कि जब बेबी के हाथ पैर आँख नाक मुंह, आप देख रहे हो ना, ये बेबी पूरा डेवलप हो गया है, तो पूरा वो हमें जो अच्छी तरीके से उसके बॉडी पार्ट्स अच्छे से दिखाई देने लग जाता है, मीन्स पूरा डेवलप हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, फिटस। तो ह्यूम जैसे कि सब में अलग अलग टाइम पीरियड होता है, कि किसी में टू मंथ में कंप्लीट होता है, किसी में वन मंथ में कंप्लीट होता है, लेकिन हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ये टाइम पीरियड 9 मंथ का होता है। नेक्स्ट है पार्चुरेशन, ये क्या होता है, एक्सप्लेनिंग ए फुल्ली ग्रो बेबी फ्रॉम द मदर्स बॉडी इज नॉन एज पार्चुरेशन। क्या होता है, जब पूरी तरीके से बेबी ग्रो हो जाता है, पूरी तरीके से, ठीक है, तो जब फुल बेबी ग्रो हो जाता है मदर बॉडी के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होता है, और इसमें क्या होता है मेन पार्चुरेशन में, कि अभी पहले बेबी को क्या था, फूड लेने के लिए प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू वो फूड ले रहा था, ठीक है, लेकिन जब वो पूरा ग्रो हो गया बेबी और मदर बॉडी के कहाँ आ गया, बाहर आ गया, पूरा ग्रो होने के बाद जब बेबी मदर बॉडी के बाहर आ गया, तो क्या होता है कि उसको इस प्लेसेंटा की ज़रूरत नहीं है फूड को अपने आप में लेने के लिए, फूड रिसीव करने के लिए, तो उस टाइम उसका प्लेसेंटा क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, तो और उसको बाहर से जो है अपना न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट इस टर्म में हमने पढ़ा कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एग फर्टिल हो जाता है तो क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि अगर एग फर्टिल नहीं हुआ तो क्या होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स।